हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जेरोक्स की 7855 सीरीज़ की मशीन की एक प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों, इसमें मैं आपको एक प्रिंट दिखाता हूं। ये अभी हम सुबह कुछ प्रिंट से निकाल रहे थे अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो इन प्रिंट्स में क्या दिक्कत आ रही थी कि ऊपर की तरफ येलो कलर के स्पॉट्स आ रहे थे। तो वो मैं आपको प्रिंट अभी उनको दिखा देता हूँ, जिससे कि आप ईजिली समझ पाएँ। तो दोस्तों, ये प्रिंट ये रखे हैं देख मेरे सामने, मैं आपको इनमें प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं। देखिए, आपको भी और अच्छे से मैं दिखाऊं। दोस्तों, आपको ये दिख रहे होंगे यहाँ पर ये येलो कलर के स्पॉट्स आ रहे हैं। तो ये अभी हम दिन में प्रोजेक्ट के लिए अपने प्रिंट निकाल रहे थे, तो उनमें ये प्रॉब्लम फेस हुई है हमको। तो इस प्रॉब्लम को दोस्तों ठीक कैसे करना है, तो इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल पाए। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसका फ्रंट कवर ओपन करना है। फ्रंट कवर ओपन करने के बाद आपको इसके दो पार्ट्स को पहले रिमूव करना होगा। एक पहले ये वाला पार्ट्स है और दूसरा वो क्लीनिंग असेंबली हुई। तो क्लीनिंग असेंबली को सिंपली रिमूव करने के लिए इसका ये स्क्रू टाइप का होता है, तो इसको खोल के हमें बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद ये वाला हैंडल होता है, इसके अंदर एक स्क्रू होता है जो कि मैंने पहले से ही खोल लिया है। आप इसमें स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको खोल लीजिएगा तो सिंपली बाहर आ जाएगा। बाहर करने के बाद इसको आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, अदरवाइज़ इसको यहाँ का काम, फ्रंट का काम हमारा पूरा हो गया है। बाकी हमको बाकी साइड में ये वाला डोर ओपन करना है, बाकी सारा काम यहीं रहेगा। तो मैं आपको मशीन रोटेट कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे कि हमारे पास जगह बन जाए। तो फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ इसमें कि कैसे हमको ये प्रॉब्लम को सही करना है। तो दोस्तों, मैंने मशीन को रोटेट कर लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसका साइड का जो डोर है उसको ओपन करना है। तो मैं उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका ये यहाँ लॉक होता है, यहाँ आपको सिंपली इसको ऊपर की तरफ प्रेस करके इसको खोल लेना है। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस साइड डोर को पूरी तरह से अनलॉक करना है, जिससे कि ये पूरा नीचे की तरफ बैठ जाए। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि प्लास्टिक की एक लॉक है जो कि यहाँ इसमें साइड डोर में लॉक होती है। दोस्तों, इसको निकालने के लिए मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर एक सी टाइप का लॉक लगा होता है, ये देखिए। तो इसको आपको ऊपर की तरफ खींचना है, देखिए ये बाहर आ गया। उसके बाद आपको ये लॉक को आसानी से निकाल देना है। इसको लॉक को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा डोर ऊपर उठाना है, जिससे कि ये ढीला हो जाएगा, और देखिए ये बाहर आ गया। और इस टाइप दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप, ये इस तरफ भी प्लास्टिक का ही एक लॉक है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें डोर को ऊपर उठा के इसको अंदर की तरफ ट्विस्ट करना पड़ेगा 90 डिग्री पर। ये देखिए, मैं इसको निकाल लेता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये जो लॉक होते हैं साइड में ये निकल रहे हैं, ये यहाँ पे फंस जाते हैं। इसके अंदर जाने, इसको डालने का तरीका भी यही है, तो इसको इस तरीके से 90 डिग्री पर रोटेट करके छोड़ देना है, तो ये ऐसे होके अंदर लॉक हो जाता है। उसको निकालने का तरीका भी यही है कि इसको थोड़ा सा डोर को ऊपर उठा के, एक मिनट, इसको थोड़ा सा डोर को ऊपर उठा के हमें इसको 90 डिग्री पर रोटेट करना पड़ता है, फिर ये बाहर आ जाता है। उसके बाद से क्या है, ये डोर पूरा का पूरा नीचे रख जाता है। उसके बाद हमें इस फिक्सिंग यूनिट को, जो फ्यूज़र असेंबली बोलते हैं इसको, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए एक स्क्रू यहाँ होगा, ये येलो कलर का आपको दिख रहा है, इसको खोलना है। और ऐसा ही एक इस तरफ होता है, लेफ्ट राइट दोनों में। इन दोनों को खोलने के बाद इसको आप हल्के हाथों से बाहर निकाल लेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। बाहर आने के बाद इसको हमें कहीं साइड से रख देना है सेफ्टी से, कि ये कहीं गिरे ना और टूटा फूटे ना हो। इसको निकालने के बाद दोस्तों, हमें इसमें दो लॉक होते हैं, और हम ये इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी अभी, वो प्रॉब्लम IVT बेल्ट की वजह से होती है। इसमें क्या है, या तो ऊपर के एरिया में या नीचे के एरिया में
या टॉप में या बॉटम में कहीं ना कहीं स्पॉट्स जम गए हैं, जो टोनर होता है हमारा वो जम जाता है, इसी के कारण ये प्रॉब्लम आती है बार बार। तो IVT बेल्ट को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें फ्यूज़र असेंबली को बाहर निकालना पड़ेगा। फ्यूज़र असेंबली बाहर निकालने के बाद एक ये पत्ती इसमें लॉक होती है, ये वाली पत्ती, तो उसको खोलने के लिए ये वाला स्क्रू रिमूव करना पड़ेगा और ये वाला स्क्रू रिमूव करना पड़ेगा। दोस्तों इन पत्तियों को बाहर निकालने के बाद आप कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा कि ये वाली इधर लगेगी कि ये इधर लगेगी, ये वाली पत्ती इधर ही लगेगी, आप इसको इधर लगाना चाहेंगे तो ये लगेगी भी नहीं, तो आप चिंता नहीं करिए, आप निश्चिंत होकर इनको निकाल लीजिए बाहर। उसके बाद इनको आप एक साथ भी रख देंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बार बार कि इनको हमें रखना कैसे है, मतलब लगाना कैसे है वापस। स्क्रू खोलने के बाद ये पत्ती देखिए इस तरह की होती है। इस पत्ती का यूज़ इसलिए किया जाता है दोस्तों कि ये जो लॉक दिख रहे हैं आपको, ये जो यहाँ पे लॉक दिख रहे हैं, ये उठा सा हिस्सा दिख रहा है, ये IVT बेल्ट में इस तरीके से लॉक होता है और IVT बेल्ट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा देता है जिससे कि ये किसी चीज़ से टकराए ना चलते समय और ये फटने से बचे, इसलिए इन लॉकों का यूज़ किया जाता है। तो इन दोनों लॉक को हम निकाल लेते हैं और हमारा एक स्क्रू नीचे गिर गया है तो हमें स्क्रू भी संभाल के रखना है क्योंकि बाद में हमें इनको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारी मशीन चलने में प्रॉब्लम करेगी। तो ये दोनों स्क्रू मैंने खोल लिए हैं, खोलने के बाद इनको पत्ती को हमें बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों ये दोनों पत्तियां रिमूव करने के बाद सिंपली हमें IVT बेल्ट को हल्के से हाथों से बाहर खींचना है। इनको खींचने का तरीका मैं बताऊं दोस्तों, इनमें हैंडल लगे होते हैं, एक हैंडल इस तरफ होता है, एक ब्लैक कलर का हैंडल ये है, ये पकड़ने के लिए होता है, इसको हम सिंपली पकड़ सकते हैं, और एक हैंडल इस तरफ होता है। तो इनको दोनों को हल्के से पकड़ के बाहर की तरफ हमें खींचना है। तो मैं आपको निकालने की इसको निकाल के दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों इसको IVT बेल्ट को निकालने से पहले हमें इसकी ड्रम यूनिट को भी रिमूव करना पड़ेगा, जो कि हमें पहले ही करना चाहिए था लेकिन अभी भी हम कर लेते हैं इसको। कुछ नहीं, हमको थोड़ा सा मशीन को रोटेट करना पड़ेगा। दोस्तों आपको ये दिख रहे होंगे पीले पीले, इसमें लॉक लगे हुए हैं, तो ये हमारी ड्रम यूनिट हैं। तो इसको सिंपली बाहर निकालने के लिए हमें इनके लॉक्स को नीचे करना पड़ेगा। ये लॉक होते हैं इसके, ये नीचे करने के बाद इसके ये येलो वाला लॉक है, इसको हल्का सा प्रेस करके हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सिंपली आराम से बाहर आ जाती है और निकालने के बाद हमें ड्रम यूनिट को अच्छे से किसी सेफ जगह पर रख देना है जिससे कि इनमें स्क्रैच वगैरह ना आए। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी देखिए इसमें ड्रम यूनिट में काफ़ी सारा टोनर, येलो टोनर फैला हुआ है, तो ये भी हम चेक करेंगे कि ये किस कारण से फैल रहा है। उसके बाद इसको हमें लगा देना है। लगाने के बाद हम मशीन को दोबारा से रोटेट कर लेते हैं जिससे कि हम अपनी IVT बेल्ट की असेंबली को बाहर निकाल पाएं। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा IVT बेल्ट है, इसको हमें सिंपली ऐसे हैंडल को पकड़ के इसको हमें बाहर की तरफ खींचना है। इसको सिंपली हमें बाहर खींचना है। बाहर खींचने से पहले दोस्तों ध्यान रखना है इसमें एक लॉक लगा होता है यहाँ पे, इस लॉक को हमें अनलॉक करना पड़ेगा, इसको हमें बाहर की तरफ इस तरीके से निकालना पड़ेगा दोस्तों।
ये वाला जो लॉक है, इस लॉक को आपको बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद ये दोनों हैंडल को पकड़ के आपको आराम से, ये कहीं टकरा है ना, इस आईबीटी बेल्ट की यूनिट को बाहर निकाल लेना है। दोस्तों देखिए इस तरह की दिखती है। अब मैं इसे बाहर ले चलता हूँ, उसको फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी आईबीटी असेंबली। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप देख रहे होंगे टोनर यहाँ पर चिपका हुआ है येलो कलर का, आपको इधर दिख रहा होगा यहाँ, और कुछ थोड़ा बहुत इधर भी चिपका हुआ है ऊपर की तरफ। तो दोस्तों जो येलो स्पॉट्स मैंने आपको प्रिंट आउट में दिखाए थे, वो हो सकता है कि इसी के चक्कर में आ रहे हों। तो हमें इसको पूरा हल्का गीले कपड़े से, इसकी जो पूरी साइड है पूरा हमें क्लीन करना है, इधर से भी और इधर से भी। और इसको हम इस गियर के थ्रू, जो ऊपर आपको छोटा गियर दिख रहा है, इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको आप घुमाते जाएंगे तो ये गोल गोल घूमता जाएगा, तो आप इसको आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और इसकी सेफ्टी रखना कि दोस्तों ये किसी से टकराए नहीं, क्योंकि जो भी हमारी प्रिंटिंग छपती है और जो भी क्लियर आता है वो इसी के कारण आता है, क्योंकि जो पहले प्रिंट होता है वो इसी के ऊपर बनता है, उसके बाद ये ड्रम यूनिट पर जाता है, ड्रम यूनिट से ये पेपर पर अप्लाई होता है, और पेपर पर अप्लाई होने के बाद ये फ्यूज़र असेंबली में कलर को परमानेंटली पेपर पर चिपकाने के लिए जाता है। तो अगर दोस्तों इस पर कोई भी स्पॉट्स आया या किसी चीज़ से टकरा गया, तो ये पूरा बेल्ट ही आपको बदलना पड़ेगा, और ये बेल्ट काफ़ी कॉस्टली आता है। तो मैं आपको पहले ही सावधान कर रहा हूँ कि इसको आप क्लीनिंग करने से पहले ध्यान रखना कि ये किसी चीज़ से टकराए ना। और इसको भी मैंने अभी खड़ा रखा है, जे नॉर्मली खड़ा होता नहीं है ऐसे, मैंने इसको पीछे कपड़े से टिका के रखा है। तो आप इसको ऐसे खड़े करने की कोशिश ना करें, इसमें साफ़ करने से पहले आप कोशिश करें कि आपके साथ एक लड़का और हो जिसको जो पकड़ सके, और जो वहाँ से उस छोटे गियर को घुमाकर आपकी हेल्प कर सके, और एक जन इसको पीले टोनर को साफ़ कर सके। गीले कपड़े से धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको साफ़ करना है, उसके बाद जो अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद इसको दोबारा से मशीन में रीइंस्टॉल करना है। रीइंस्टॉल करने के बाद फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आपको दिखती है, तो उसके लिए हमें येलो स्पॉट्स आ रहे थे, तो हमें येलो ड्रम यूनिट को चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको प्रिंट में दिखाया था, उसमें ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स आ रहे थे, तो हमें येलो कलर के नीचे जो ड्रम यूनिट लगी है, जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था कि इसमें ड्रम यूनिट में ऊपर कलर भी फैल रहा है, तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम वहाँ से भी हो। लेकिन पहले हम आईबीटी बेल्ट को चेक करेंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें पहले भी आई थी, तो पहले हमने आईबीटी बेल्ट को क्लीन किया था तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो फर्स्ट हम अपने आईबीटी बेल्ट को क्लीन करके मशीन को चालू करके देखेंगे, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम फिर बनी रही तो उसके बाद हम अपने ड्रम यूनिट को चेक करेंगे, और ड्रम यूनिट में कोई कमी होगी तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, कि ये प्रॉब्लम हमारी आईबीटी बेल्ट से सॉल्व ना हुए ड्रम यूनिट की थी। दोस्तों अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि इसको क्लीन करते समय मैं अभी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो मैं अभी वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से क्लीन कर लेता हूँ, उसको पूरी साइड्स को, फिर उसके बाद मैं आपको उसको मशीन में कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इस आईबीटी बेल्ट को अच्छे से क्लीन कर लिया है, इसको मैंने फ्रंट से भी क्लीन कर लिया, और मैं आपको इधर बैक से भी दिखाता हूँ। देखिए आप ये पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया मैंने। तो दोस्तों इसको आप सावधानी से क्लीन कीजिएगा, और दोस्तों अगर ये बाय मिस्टेक ख़राब हो गया तो ये आपको मार्केट में कॉस्टली भी मिलेगा, और फिर कोई गारंटी नहीं है कि ये आपको ओरिजिनल मिल जाए, क्योंकि जो फर्स्ट मशीन के साथ आता है वही आईबीटी बेल्ट ओरिजिनल होता है, अदरवाइज़ उसके बाद आप जो भी मार्केट में बेल्ट खरीदेंगे वो आपको ओरिजिनल कहकर ही बेचेंगे, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता है, उसमें प्रिंट क्वालिटी में थोड़े इश्यूज़ आने लगते हैं, और वो आईबीटी बेल्ट भी जल्दी फट जाता है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता है, ओरिजिनल चीज़ प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी देती है।
तो इसको ध्यान रखना। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दोबारा से मशीन में इसको फिटिंग करके दिखाता हूँ कि इसको फिट कैसे करना है। तो दोस्तों आईबीटी बेल्ट को फिट करने के लिए हमें उसी पोजीशन में आईबीटी बेल्ट को रखना पड़ेगा जिस पोजीशन में हमने इसको निकाला था। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें दोस्तों इसके लिए लॉक दिख रहे हैं आपको काले वाले, हमें इसी में इसको रखना है। दोनों तरफ से दोस्तों अच्छे से देख लीजिएगा, इनमें लॉक में रखने के बाद इसको धीरे से हर तरफ आप धक्का दोगे तो ये पूरा चला जाएगा, इसमें अंदर मशीन में अच्छे तरीके से फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद ये वाला लॉक लगा देना। लॉक अच्छे से लगा देने के बाद हमने जो इसकी लेफ्ट राइट की पत्तियाँ निकाली थी ये वाली, वो हमें इसमें अच्छे से लगा देना है। तो ये है लेफ्ट की और ये है राइट की। पत्तियों को लगाने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू को इसमें फिट करना पड़ेगा वापस। तो हमने दोनों पत्तियों के स्क्रू को कस दिया है अच्छे से, और इनको स्क्रू को कसने के बाद इसमें हमें फ्यूज़र असेंबली को इंस्टॉल करना है जो हमने निकाली थी। ये रही हमारी फ्यूज़र असेंबली। दोस्तों इसको लगाने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो प्लक है ये आप इसमें देख रहे होंगे ये वाला, तो ये देखिए दोस्तों लेफ्ट साइड ही होता है, इसमें एक प्लक दिख रहा होगा, अभी आपको अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा होगा, ये इसमें यहाँ प्लग लगा हुआ है, तो ये वाला प्लग यहीं जाके कनेक्ट होता है। तो इसको आप सिंपली यहाँ इसी तरीके से रख दीजिएगा, रखने के बाद आपको ये नीचे के दोनों स्क्रू को अच्छे से कस देना है। इनको कसने के बाद हमें ये वाले लॉक हैं जो कि मशीन के लगाना है, उसके बाद हमें ड्रम यूनिट को और इसमें जो हमने क्लीनिंग असेंबली थी और वो हैंडल था आगे, वो भी हमें इसमें फिट करना है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये लॉक को लगाने के लिए दोस्तों हमें गेट को हल्का सा ऊपर उठाना है और इस तरफ का लॉक 90 डिग्री पर रोटेट करके अंदर की तरफ आप छोड़ दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो उसके बाद ये वाला भी हमें थोड़ा सा गेट ऊपर करके इसको इसमें फंसा देना है। उसके बाद इसका जो हमने लॉक निकाला था प्लास्टिक का, सी लॉक होता है ये, देखिए ये वाला लॉक है, इसको हमें यहाँ हल्का सा रख के इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देना है, ये लॉक हो गया। उसके बाद साइड डोर का काम हमारा हो गया। साइड डोर को क्लोज करने के बाद जो हमने ड्रम यूनिट से निकाली थी उनको भी हमें दोबारा से लगा देना। दोस्तों इस प्रॉब्लम के बारे में मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर टोनर इतना सारा फैल रहा है, तो दोस्तों ये हो सकता है कि ये प्रॉब्लम इसके कारण भी आ रही हो। तो अगर ये प्रॉब्लम दोस्तों आपकी सही ना हो तो आप ड्रम यूनिट को भी चेक कीजिएगा, यहाँ पर ये इसका ब्लेड प्रॉब्लम कर रहा है। तो अभी तो मैं इसको लगा देता हूँ, पहले चेक कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं इसका ये ड्रम यूनिट को बदल के दे दूँगा। और दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती है इससे सही, तो ये ड्रम यूनिट को मैं कैसे सही करूँगा और इसको कैसे ड्रम को चेंज करना है, कैसे इसमें ब्लेड वगैरह चेंज करनी है, तो इसके लिए मैंने वीडियो एक पहले से बना रखी है, उसमें काफ़ी डिटेल से मैंने समझाया है कि पूरा ड्रम यूनिट के सारे पार्ट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस को क्या बोलते हैं और इसको कैसे हम फिट करते हैं।
इस ड्रम यूनिट के नीचे एक ऑगर यूनिट भी होती है, ऑगर पार्ट होता है जो कि ब्लेड के जस्ट नीचे लगा होता है यहाँ पर, जो कि आप टोनर देख रहे हैं ये बेस्टेज टोनर इसके नीचे गिरता है, तो वो बेस्टेज टोनर को ये यहाँ से मूव करते हुए वो ऑगर जो होता है इस तरीके से घूमता है, स्प्रिंग होती है वो एक तरह से, वो स्प्रिंग प्लास्टिक की भी आती है और स्टील या लोहे की भी आती है। तो हमारी जो ओरिजिनल मशीन है उनमें लोहे की डली हुई आती है, अगर आप अदरवाइज मशीन को थोड़ा एक आध महीने के लिए चलाओगे नहीं ना तो उसमें मॉइस्चर आ जाएगा और जो टोनर इसके अंदर बेस्टेज टोनर वो जम जाएगा, और जब आप 1-1.5 महीने बाद मशीन को चलाओगे तो वो स्प्रिंग कंटिन्यू रोटेट करेगी और जहाँ पे भी टोनर जमा हुआ होगा वहाँ पे लॉक हो जाएगी स्प्रिंग। तो यहाँ पे लॉक हो गई और यहाँ से रोटेट हो रही है तो बीच में से अंटे खा के ऊपर की तरफ उठेगी और आपके पूरे ड्रम को डैमेज कर देगी। तो उसको भी आप उसको भी मेंटेनेंस करते रहना टाइम टू टाइम, इसके नीचे जो ऑगर यूनिट होती है जो बेस्ट टोनर होता है उसको भी आप टाइम टू टाइम क्लीन करना। चलिए दोस्तों, तो मैं इसको लगा देता हूँ और अगर ये प्रॉब्लम फिर भी ठीक नहीं होती है तो ड्रम यूनिट पे भी मैं प्रॉब्लम बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखना कि ड्रम यूनिट को कैसे हम सही करें, कैसे ड्रम चेंज करें। और इस एक वीडियो में इसके ऑगर के ऊपर भी बनाऊंगा कि जो हमारा ऑगर टूटा था, जो 2 ड्रम हमारे ख़राब हुए थे वो किस तरीके से होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इंस्टॉल करने के लिए दोस्तों जैसे हमने इनको निकाला था उसी तरीके से हमें लगा देना है। दोस्तों जैसे कि ये येलो वाली वो है ड्रम यूनिट, तो अभी हम इसको येलो की जगह मेजेंटा में लगा के देखते हैं और फिर प्रिंट निकालेंगे। तो अगर जो अभी प्रिंट में स्पॉट्स येलो कलर के आ रहे थे और अभी प्रिंट निकालने के बाद अगर वो मेजेंटा कलर के स्पॉट्स आते हैं तो डेफिनेटली वो फिर इस ड्रम यूनिट की ही दिक्कत है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको लगा देता हूँ मेजेंटा में। ये मेजेंटा की मेजेंटा में लगा दी। और बाकी ड्रम यूनिट आप किसी में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं मशीन को थोड़ा और रोटेट कर लेता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ये ड्रम यूनिट मैंने इसमें लगा दी और बाकी ये एक ड्रम यूनिट है, ये भी मैंने इसमें लगा दी और एक ड्रम यूनिट और बची है, 4 ड्रम यूनिट होते हैं, ये मैंने इसमें लगा दी। पहले ये येलो वाली थी वो यहाँ लगी थी सबसे लास्ट में, R4 में मैंने R3 में लगा दिए। उसके लगाने के बाद इसकी जो यहाँ क्लीनिंग असेंबली और हैंडल होता है वो भी मैं आपको इसमें लगा के दिखा देता हूँ, 2 ही मिनट का काम होता है। तो ये है हमारी क्लीनिंग असेंबली, इसको लगाने के लिए सिंपली हमें इसको अंदर डाल के और इसके नट को हल्का सा प्रेस करके गोल क्लॉक वाइज इसको लगा देना है और इस हैंडल को भी हमें इसमें लगा के इसका जो स्क्रू है वो इसमें कस देना है। ये है इसका स्क्रू दोस्तों। ये वाला हैंडल और ये क्लीनिंग असेंबली डायरेक्टली IBT बेड से अंदर जाके लॉक होती है, तो सबसे पहले हमें इनको ही खोलना पड़ता है। इनको नहीं खोलोगे तो यहाँ से राइट साइड के डोर से वो क्लीनिंग असेंबली बाहर नहीं आएगी। तो इनको लगाने के बाद हमें ये बेस्टेज टैंक है जिसमें बेस्ट टोनर जमा होता है, इसको भी हमें यहाँ लगा देना है। लगाने के बाद ये लॉक है इसका गेट का दोस्तों, तो ये निकल गया है अभी, ये यहाँ लगता है इस तरीके से, उसके बाद ये यहाँ लग के लॉक हो जाता है इस तरीके से। लॉक होने के बाद ये हैंडल भी इस गेट को लॉक कर लेता है और फिर ये डोर क्लोज होता है। उसके बाद में दोस्तों अब ये मशीन चालू करके एक प्रिंट भी निकाल के दिखाता हूँ आपको कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं। तो दोस्तों ये मशीन हमारी चालू हो रही है, मशीन चालू होने के बाद मैं इस पर प्रिंट डाल के मैं प्रिंट दिखाता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। अगर ये सॉल्व नहीं होगी तो हम फिर आपको आगे सॉल्यूशन बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। वो ड्रम यूनिट का ही प्रॉब्लम होगा तो वो ड्रम यूनिट का भी हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अभी इसको चालू हो जाने देते हैं फिर प्रिंट देके मैं आपको इसमें दिखाता हूँ।
तो दोस्तों ये फाइल मैं आपको दिखाता हूँ, यही फाइल हम सुबह प्रिंट कर रहे थे। ये नाम है आयुष रंजन के नाम से, तो इन्हीं के हमने कलर प्रिंट निकाले थे सुबह, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस हुई थी। तो मैं अभी आपको इनमें से कोई एक कलर प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों ये है ग्रीन कलर का, आगे और भी है, ये वाला निकालते हैं। 16 नंबर का पेज है ये, तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट कमांड देता हूँ। पेज नंबर है हमारा 16 और इसको हम बाईपास प्रिंट कर देते हैं। A4 ट्रे नंबर 5 एंड सिंगल साइड, और उसके बाद हम इसको सिंपली प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करने के बाद चलिए मशीन पर चलते हैं। तो दोस्तों ये मशीन बता रही है क्लोज डोर, इसका फ्रंट डोर है वो सही से नहीं लगा है। इसका फ्रंट डोर में देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये हमारा डोर क्लोज हो गया है। इसमें हम एक पेज है ये वाला पेज डालते हैं, वन साइडेड है। वन साइडेड पेज को हम बाईपास लोड करते हैं। पेपर को लगाने के बाद यहाँ A4 और कार्ड स्टॉक पिक करके कंफर्म करना है, उसके बाद ये हमारा प्रिंट निकलेगा यहाँ से। अभी कमांड शो नहीं हुई है हमारी यहाँ पर, कंप्यूटर पर चल के चेक करते हैं। एक बार इस कमांड को डिलीट करके हम दोबारा कमांड डालते हैं। तो दोस्तों ये हमारी मशीन पर कमांड आ गई है, पेपर चेक के लिए बोल रही है ट्रे 5। तो दोस्तों ये A4 साइज हमें ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा और कंफर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। दोस्तों ये हमारी कमांड इस पे आ रही है, तो ये मेरे प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी देखिए आपको मैं प्रॉब्लम दिखाऊं, ये प्रॉब्लम हमारी ड्रम यूनिट की ही है। इस पे आपको मेजेंटा, देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ इसमें मेजेंटा के स्पॉट्स आने लगे हैं अभी, लाइट में। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें मेजेंटा के स्पॉट्स आ रहे हैं। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम हमारी ड्रम यूनिट की ही है, तो हम अब अपने ड्रम यूनिट को सही करेंगे। दोस्तों ड्रम यूनिट को सही करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें हम ड्रम कैसे चेंज करें और बाकी ब्लेड और जो इस पर लगा होता है इसका टेप, इसको ड्रम सील बोलते हैं, वो हम कैसे चेंज करें, तो वो भी मैं इसमें मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। तो आप दोस्तों उस वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको उसमें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो मैं आपको वो एक बार और वीडियो बना के अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके अपनी सजेशन दें कि इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है मशीन में, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों बेल
आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।